हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के पार्ट थ्री वीडियो पे, जिसमें डिस्कशन किया जाएगा द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले दो पार्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लिए गए हैं, तो जिसने उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें करवाए गए हैं, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, कब इसके रूट्स वास्तविक होते हैं, कब इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, ये सारे हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है द्विघात समीकरण क्या होता है, देखिए जिस भी समीकरण की घात में दो लगा होगा, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो ये किस टाइप की इक्वेशन है, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है। ये समझ में आया, ये कैसा है, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर यहीं पर होता ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये द्विघात समीकरण नहीं था, ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। कैसी हो जाएगी, लीनियर। जैसा कि आप सभी को पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसी होती है, तो ये एक प्रकार की लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। इसके बारे में भी जितनी प्रॉपर्टीज होती है वो आपको कल की वीडियो में करवाया जाएगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे कल की वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण की यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसमें आपको पता चल गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। और इसके आपको अगर रूट्स निकालने होंगे यानी कि मूल निकालने होंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करते हैं। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जहाँ पे बी क्या है, तो बी है एक्स का गुणांक, और ए क्या है, तो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या है, सी जो है अचर का गुणांक है, ठीक है। इसके आगे कोई भी क्वांटिटी नहीं लगी हुई है, ये इसका गुणांक हो गया। तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की हम लोग वैल्यू निकालते हैं। पहला देखिए क्या है कि अगर डी इज इक्वल्स टू जीरो हो, तो समीकरण का जो मूल होगा यानी कि रूट होगा वो कैसा आएगा, तो वो वास्तविक और समान होगा। यदि डी की वैल्यू कैसी हो, यदि डी की वैल्यू जीरो होगी, तो समीकरण का मूल वास्तविक एवं सामान्य होगा, ठीक है, यानी कि रियल और इक्वल होगा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड केस पर, यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो क्या होगा, और डी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो क्या होगा। तो सेकंड लिखा हुआ, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो उसके मूल यानी कि रूट्स जो होंगे वो वास्तविक यानी कि रियल होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, अगर डी की वैल्यू जीरो के बराबर है तो समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा, रियल और इक्वल होगा। अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है यानी कि प्लस में है, तो जो इसका मूल होगा, रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, वास्तविक यानी कि रियल होंगे। ओके, अब चलते हैं, जब डी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो इसके मूल कैसे होंगे, देखिए जब डी की वैल्यू जीरो से कम होगी तो इसके मूल जो है, रूट्स हैं, वो होंगे अवास्तविक यानी कि इमेजनरी, और असमान होंगे यानी कि अनइक्वल होंगे। तो जब डी की वैल्यू जीरो से कम होगी, माइनस में इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस में वैल्यू आने के बाद आपको जो इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। क्लियर हो गया तीनों चीज। तो डी की वैल्यू जीरो होने पर रूट्स रियल और इक्वल, डी की वैल्यू ग्रेटर होने पे रूट्स वास्तविक यानी कि रियल होंगे, और डी की वैल्यू लेस देन होने पे, जीरो से कम होने पे, इमेजनरी और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, इसके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़िए। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स के मूल की प्रकृति क्या है, क्या पूछा जा रहा है। समीकरण यानी कि कोई इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके मूल यानी कि रूट्स का नेचर कैसा होगा ये आपको बताना है। तो नेचर निकालने के लिए रूट्स का हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालनी है डी की वैल्यू। डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी होता है। यहाँ पे बी किसका गुणांक है, तो बी एक्स का गुणांक होता है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू देखिए क्या है, इस वाले इक्वेशन में बी की वैल्यू है फाइव, और ए की वैल्यू क्या है, ए किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है वन, और सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी सिक्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको पता चल गया। अब हमें निकाल लेना है डी की वैल्यू, तो डी इज इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी, और जैसे ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी की जगह पे हमें रखना है फाइव, यानी कि फाइव का स्क्वायर माइनस में फोर इंटू ए क्या है, देखिए माइनस में फोर इंटू ए की वैल्यू है वन इंटू सी की वैल्यू है सिक्स। इतना क्लियर हुआ, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पच्चीस, पाँच का स्क्वायर कितना आएगा, पच्चीस आएगा, माइनस में चार गुड़े छः कितना आ जाएगा, चार गुड़े एक कम चार, और फिर चार गुड़े छः कितना हो जाएगा, चार छंग चौबीस, तो पच्चीस माइनस चौबीस यानी कि जो डी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी वन। अब डी की वैल्यू वन तो आ गई, अब वन कैसा है, वन पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, तो जो वन आया है, वन की जो वैल्यू आएगी वो जीरो से बड़ी है, यानी कि इस वाले इक्वेशन में डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आई, तो इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, तो इसके रूट्स का नेचर हो जाएगा कैसा, रियल। ठीक है, इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, तो वो हो जाएंगे रियल यानी कि वास्तविक। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया,
इसके रूट्स कैसे होंगे? तो वो होंगे रियल यानी कि वास्तविक रूट होंगे। आइए क्वेश्चन सेकंड देखिए आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन सेकंड क्या है? क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है समीकरण 2x² + 3x + 2 के मूल की प्रकृति क्या होगी। 2x² + 3x + 2 के मूल की प्रकृति क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे? सेम वही चीज, पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू है इसमें 2, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3, और सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू है 2। ओके, ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई। ए बी सी की वैल्यू पता चलने के बाद हमें निकाल लेना है डी। डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये होता है b² - 4ac। बी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर कर लिया, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू भी 2 है, तो 3 * 3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। 9 माइनस में 4 * 2 8, 8 * 2 16, तो 9 - 16 आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -7। तो जो डी की वैल्यू आई है वो -7 है, यानी कि क्या है, 0 से कम है, 0 से छोटी है। इस वाले इक्वेशन में डी की वैल्यू कैसी आ गई, तो इसमें आ गई डी की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। 0 से छोटी आ रही है यानी कि उसके रूट कैसे होंगे, तो उसके रूट होंगे अकाल्पनिक। कैसे हो जाएंगे? अकाल्पनिक होंगे, ठीक है। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, तो इंग्लिश में हो जाएगा इमेजनरी। अकाल्पनिक और असमान यानी कि इमेजनरी और अनइक्वल, कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी एंड अनइक्वल होंगे इसके रूट्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इस वाले का इमेजनरी और अनइक्वल हो गया। आइए क्वेश्चन थर्ड करते हैं, देखिए इसमें रूट्स कैसा आएगा इसका। तो क्वेश्चन थर्ड अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन थर्ड को देखिए, समीकरण x² + 6x + 9 के मूल की प्रकृति बताइए। क्या पूछा जा रहा है? समीकरण x² + 6 + 9 के मूल की प्रकृति बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें भी वही हम लोग पहले काम करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू है 9। क्या निकालना होता है मूल की प्रकृति निकालने के लिए, डी की वैल्यू, डी बराबर किसके होता है, तो ये होता है b² - 4ac के बराबर। बी की वैल्यू हो गई 6, 6 का स्क्वायर किया, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी की वैल्यू 9 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, माइनस में 4 * 9 करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 36। यानी कि यहाँ से जो डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। तो जब डी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसके रूट्स हमने क्या बताए थे आपको अभी, तो डी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसके रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल यानी कि वास्तविक और समान। कैसे रूट्स हैं इसके, वास्तविक और समान हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो तीनों तरह के हमने आपको रूट बता दिए, तीनों तरह के क्वेश्चन करके बता दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो इसको आपको रूट निकालना होता है यानी कि मूल की प्रकृति निकालनी होती है। और मूल की प्रकृति कैसे निकालेंगे, तो डी की वैल्यू निकालिए, डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो रूट जो होंगे उसके वो रियल और इक्वल होंगे, 0 से कम है तो इमेजनरी होगा, और 0 से बड़ा है तो रूट जो होंगे उसके वो रियल होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के केस पे, देखते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, जैसे कि बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होता है, यहाँ पे कोई एक फलन दिया होता है यानी कि फंक्शन दिया होता है और उसके थ्रू हमें उसकी वैल्यूज निकालनी होती है। आइए हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अभी पहले समझ लीजिए कि फंक्शन क्या होता है। f(x) = यहाँ पे लिखा है a1x + a2x² + a3x की, इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए anx^n तक का कोई फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे a1 a2 an क्या है, वो सब अचर राशियाँ हैं। क्या है, a1 a2 an करके ये सारी क्या है, तो अचर राशि हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये x क्या होता है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज रखी जाएंगी, जैसे कि आप क्वेश्चन में देखो f(x) यहाँ पे आपको दिया है, तो आपसे पूछा है f(2) तथा f(1) का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो 2 है ना, यही x की वैल्यू है, ये 2 जो है ये x की वैल्यू है, यहाँ पे हम रख देंगे x की जगह पे, तो आपको इसका मान निकाल लेना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया फंक्शन किस तरह के होते हैं। बीजीय व्यंजक का एक फंक्शन इस तरह से होता है, फलन सारे जहाँ पे a1 a2 an जो होती है वो अचर राशियाँ होती हैं। आइए इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका क्वेश्चन देखिए फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़िए। यदि f(x) = x²-5x + 6 हो तो f(2) तथा f(1) का मान ज्ञात करो। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो कैसे करना है इसको देखिए। f(2) का मान पूछेगा, तो हमें x की जगह पे मान रख देना है 2। यहाँ पे हमने x की जगह पे 2 रखा, तो यहाँ पे भी तो x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम x की जगह पे 2 रखें, तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे भी x आएगा वहाँ पे हमें अब 2 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे हमें 2 रखना है, यानी कि क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 5 * क्या हो गया, तो 5 * 2 हो गया, प्लस 6 हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 * 4, माइनस में 6, इसी के नीचे करते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया, क्या आ गया, 2 * 4, माइनस में 5 * 10 और प्लस 6 आ गया। 6 और 4 को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एडिशन वाले हैं,
तो प्लस प्लस वाले को जोड़ लेना है, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, और माइनस कर दिया क्या, 10, ये तो माइनस में था, तो 10 में से 10 गया कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। क्लियर हुआ यहाँ तक, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ गई। अगर आपसे इस क्वेश्चन ने पूछा होता कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू इतना है, एफ ऑफ ए अगर 0 हो तो इसके रूट्स क्या होंगे, समीकरण के रूट्स क्या होंगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन के मूल क्या क्या होंगे, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, वैल्यू चेक करेंगे, जिस भी वैल्यू पे ये 0 आएगा वही उसका रूट हो जाएगा। जैसे कि 2 की वैल्यू पे अगर ये 0 आ रहा है तो इस इक्वेशन का एक मूल क्या हो गया, एक रूट क्या हो गया, 2 हो गया। आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका एक रूट और क्या होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके दो रूट तो पॉसिबल ही हैं, जब दो रूट पॉसिबल है तो एक रूट आपको पता चल गया 2 है, सेकेंड रूट क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ 1 निकालिए क्या हो गया, देखिए एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में 5 × 1 और प्लस 6, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस में 5 प्लस 6, 6 और प्लस 1 7, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी कि एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ रही है। अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 आती तो वो भी इसका रूट होता, पर यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो एफ ऑफ जो 1 वैल्यू है 1 इसका रूट नहीं है, 2 इसका रूट है। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका एक और रूट क्या होगा, ठीक है, इसका दो रूट होगा, क्यों दो रूट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगे होंगे यानी कि उसके दो रूट पॉसिबल होंगे, ठीक है, तो एक रूट और जो होगा वो आप लोग कमेंट करके बताओ। आइए देखिए क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन थर्ड को पढ़िए क्या है, इसमें दिया गया है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो तथा एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 हो तो आपको ए का मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे इसका, समझ में कुछ आ रहा है, हिंट मिल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया है और बोला है कि एफ ऑफ ए 0 है, जैसे ही हम यहाँ पे ए रख देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पे हमने रख दिया एफ ऑफ ए और हमने एफ ऑफ ए इसमें रखा, तो यहाँ पे ए रखा तो जितनी भी जगह पे एक्स आएंगे वो सभी पे ए हो जाएगा, तो जितनी भी जगह पे एक्स आ रहे वो सभी क्या हो गया, ए हो गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 9 हो गया, और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि एफ ऑफ ए 0 है, यानी कि ये 0 है, तो ये बराबर इसके दिया है और ये भी बराबर इसके हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 9 बराबर किसके आ गया, 0 के आ गया, ए स्क्वायर माइनस 9 0 के आ गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, क्योंकि ये 9 यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ गया, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू रहेगी अंडर रूट में 9, यानी कि इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 3 के। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए का मान ज्ञात करना था और ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान आ गया प्लस माइनस 3, ओके, ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया प्लस माइनस 3, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे प्लस 5x समथिंग करके भी होता तो भी ए इज इक्वल टू 0 दिया होता तो भी हम उसका मान आराम से निकाल सकते थे, द्विघात समीकरण को सॉल्व करते और उसका मान आ जाता, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन एक करके, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल के वीडियो में हम आपको क्वेश्चन करा देंगे अच्छे अच्छे गुणांक वाले या फिर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आइए पहले थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके, तो क्वेश्चन थर्ड अब आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन थर्ड को पढ़िए, यदि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेषफल k है तो k का मान ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, क्या दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसको अच्छे से एकदम समझ लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, यदि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को x माइनस 1 डिवाइड करता है, विभाजित करता है और शेषफल k आता है, ठीक है, अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो शेषफल k आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर जो बच रहा है वो k बच रहा है, तो आपको k की मान बतानी है, k का वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं, जब भी ये इसको डिवाइड करे तो विभाजित करने पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ है वो इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको 0 के बराबर करना है, इसको क्या करना है, 0 के बराबर करना है, जैसे ही इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू क्या पता चल गई, x की वैल्यू 1 पता चल गई, ठीक है, इतना समझ में आया, x की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गई 1 है, अब यही जो 1 वैल्यू आई है वो हम यहाँ रखेंगे और k शेषफल मिलेगा, तो इससे इक्वेशन हम क्या बना लेंगे, इससे इक्वेशन हम बनाएंगे एफ ऑफ 1 पे क्या मिल रहा है शेषफल, एफ ऑफ 1 पे शेषफल मिल रहा है k, ठीक है,
बस जैसे ही आप इसको बनाओगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत ही, और आपको समझ में आ जाएगा कि के का मान क्या होगा। बस इतना सा ध्यान देना है कि जो भी उसको विभाजित करेगा, और जो विभाजित करेगा उसको जीरो करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए एक्स प्लस यहाँ पे दिया होता है, एक्स प्लस फोर इसको विभाजित करता है और शेषफल क्या आता है, तो आपको इसको जीरो करना होता, एक्स की वैल्यू यहाँ से आती है माइनस फोर, और यहाँ पे आप रखते माइनस फोर इज इक्वल्स टू के, एफ ऑफ माइनस फोर इज इक्वल्स टू के रखते, ठीक है। तो ओवरऑल एक्स की वैल्यू कुछ भी हो यहाँ से आपको जीरो करके निकाल लेना है। यहाँ माइनस में था इसलिए वैल्यू आ रही है प्लस में, एक्स इज इक्वल्स टू आ गया वन, और एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू के हो गया। अब हम लोग के की वैल्यू निकालते हैं। चलिए क्या करना है, यहाँ पे सब जगह वन रखना है। तो एफ ऑफ वन क्या है, एफ ऑफ वन आ जाएगा सब जगह वन वन रखिए, जहाँ पे एक्स की जगह पे हमने वन रखा, तो जितनी भी जगह पे वन है एक्स आएगा वहाँ पे हमें क्या रखना है, वन रखना है। तो एक्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखिए एक्स का क्यूब है माइनस फोर एक्स स्क्वायर है प्लस फाइव एक्स है प्लस वन है, तो यहाँ पे हमने कर दिया वन का क्यूब माइनस फोर इंटू वन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन और प्लस वन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस में फोर प्लस फाइव प्लस वन, ठीक है। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, पाँच प्लस एक छः और प्लस एक सात माइनस में चार, तो सेवन माइनस में फोर जितने प्लस वाले थे उनको हमने ऐड कर लिया और माइनस वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सेवन माइनस फोर कितना आ गया, थ्री आ गया, यानी कि एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आ गई, तो ये आ गई थ्री, और यही किसके बराबर है, तो यही बराबर है के, दिख रहा है आपको, ओके। एफ ऑफ वन की वैल्यू आ गई यहाँ से थ्री, और यही किसके बराबर है, तो यही बराबर था के। तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में के का मान ज्ञात करो, तो के का मान क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। समझ में आ गया, के का मान कितना आ जाएगा, तो के का मान आ जाएगा थ्री, ओके। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया इस वाले क्वेश्चन, थर्ड का आंसर क्या आ गया, तो आ गया शेषफल यानी कि के की वैल्यू थ्री, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि अगर x माइनस वन से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल k आता है, आपको निकालना था k का मान, और k का मान क्या आ गया, थ्री आ गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। कल वाली वीडियो में आपके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।